कोई है? हम आए हैं। हाय राम, सुबह सुबह जनाने के ही दर्शन होने थे। माता जी दूध ले लो। क्या, मैं तेरी माँ लगती हूँ? सत्यानाश हो तेरा, राशन कार्ड से तेरा नाम कट जाए। अभी तो मेरा ब्याह भी नहीं हुआ। यूं ही मुँह में मिर्ची भरी रही ना तो होगी भी नहीं। हाँ क्या कहा? देखो हमरे मुँह मत लगो, हमरी तुमरी नहीं पड़ती, हम बेचत हैं दूध। अरे छोकरियों को दाना नहीं चुगावत हैं। दाना चुगा अपने मोहल्ले में, तू यहाँ मत आया कर, अपने बापू या अम्मा को भेज दिया कर। बापू हमरे हैं रंगून में, अम्मा अम्मा हमरी मर गई, अब तो तुम ही हमरी माता पिता हो। फिर अम्मा का एक दूंगी हैंडल। अरे काहे चबड़ चबड़ मचा रखी है? ओ सूरमे वाली दूध लेके आई है का? धत फिर छेड़ा तुमने मुझे, तुम बड़े वो हो हैंडल प्रसाद। हैंडल संभाल अपनी साली को। अरे तू काहे संतिया के साथ संडे मंडे करता रहता है? वो अम्मा भी तो हमसे झाड़ू खाएगा सर्टेनली। अब तू फिर अम्मा बोला उसको? भाई शास्त्रन में लिखा है कि पराई महरिया को अम्मा कह के पुकारो। अरे तू अपनी शास्त्रन की नॉलेज मत झाड़ मेरे पुत्र, तू दूध दे और यहाँ से सटक ले। अच्छा आ, ये लो। ला जा जा, भगवान की देन है, चवन्नी भर कम है बेचारा। मनु मन, क्या बात है मनु? बेटा तू परेशान क्यों है, कोई नई डेवलपमेंट है? है लेकिन परेशान क्यों है पुत्र? बात ही कुछ ऐसी है चाचा जी। हाँ अब अहम का तो कोई जवाब नहीं होता। हाँ चाचा जी लगता है जैसे बड़े भैया थोड़े भी झुकने पर टूट जाएंगे। पर तेरी सत्य के नाल कोई गलबात तो नहीं हुई? हाँ चाचा जी, चाचा जी लगता है मेरा और शुभी का प्रश्न उन्हें भी मत रहा है, मगर उनके स्टेटस का कलफ और क्रीज उन्हें झुकने नहीं देती। कहते हैं मेरी बारा सरकारी फ्लैट में नहीं जा सकती। तो फिर कहाँ जाएगी, पार्लियामेंट हाउस विच? और भाई जब पुरी का कारी गवर्नमेंट क्वार्टर में है तो ब्याह क्या पालम एयरपोर्ट में होना है? तेरी चाची फाजिल खा की थी तो मैं क्या बरात लेके श्रीलंका चला जाता? फुलिश चैप। ऐसा मत कहिए चाचा जी, मैं भैया की बहुत इज्जत करता हूं, बस बस उनका ईगो है कि बारात अगर सरकारी फ्लैट में जाएगी तो वो नहीं जाएंगे। आ तो ना जावे, मैं सरदार सोडा सिंह रिटायर्ड एसएसपी, मैं दिल्ली पुलिस के सारे हवालदार इकट्ठे कर लेने बारात के लिए। फिर भी भैया के बिना शादी नहीं होगी चाचा जी। जींदा रहो पुत्र, लंबिया उम्रा पावे, और मेरी शकुन पाबी ने भी क्या हीरा जना है, वरना आज की दुनिया में कैसा बाप कैसा प्रा। तू तू फिक्र ना कर पुत्र। चाचा जी अब बैठिए, मैं चाय लेके आता हूं। मैं ज्यादा चाय नहीं पीता, फिर कब्ज हो जाती है, रात रात भर नींद नहीं पैती। तू बैठ रहे थे, देख तू बिल्कुल फिक्र मत कर, अब ये जो चैलेंज है ना, ये सरदार सोडा सिंह सब्ज बाग वास्ते है, एंड आई विल स्टैंड टू इट, बिलीव यू मी आई विल। चैलेंज कैसा चाचा जी? स्टेटस का, हुण मैं दिखावांगा और दुनिया देखेगी। यस मनु यस। चाचा जी अब फैसला सरदार सोडा सिंह BA LLB IPS और सतीश कुमार सन ऑफ लाला केदारनाथ खंजर तड़प दहलवी के बीच में होना है। लेकिन ये गल ठीक नहीं है पुत्र, ठीक नहीं है, ये गल मेरे दिले लग गई है। पर तू वेखी, अब तू वेखी कि मैंने भी B.R. चोपड़ा की मां भारत बना देनी है। तू पढ़ाई कर पुत्र, बाकी मैं वेख लवांगा। अरे सपना बहन जी, धनभाग मेरे धनभाग। कैसी हैं? वाह बिल्की मेरे। सच्ची आखा बहन जी, वो था जमाना जब जवान कुड़ियों की माओ को निंदर नहीं आती थी, अब तो सब कुछ उलट गया है, अब तो जवान बेटे की माँ की आँखा ही नहीं पलकती। चलिए चलिए अंदर चलिए। बैठिए,
आप मनीष की बात कर रही हैं ना? सच बहन जी, उस घर के बच्चों के लिए आपका प्रेम देखकर ऐसा लगता है जैसे हम लोग सतयुग में जी रहे हैं। ना बहन, मैं तो शकुन के आंगन की हरियाली देख के अपने कोख का रेगिस्तान भूल ही गई सी। पता है मनीषे दे सीने विच आज भी मेरी छाती दी गर्माहट है। तुसी की फैसला किता मेरे बच्चे दा? जहाँ एक आप जैसी माँ मौजूद हो वहाँ मेरी बेटी की हर शाम करवा चौथ सी सजी होगी। मैं तैयार हूँ। चीथड़ों में पली मेरी बेटी आपके महलों की बहू हुई। ना बहना, रोते नहीं, शुभ शुभ विचार कर। भाई मैं और तू माँ की बेटियाँ नहीं थी, हमें ड्योढ़ी नहीं छाटनी पड़ी। पींगा चूल्हेगी बेटी और तेरी आंखों में भी सितारे नचन गए। किधर है मेरी राज रानी, बुलाओ, मैं सीसा नाल पर दे आऊं। कॉलेज गई है, आप बैठो, मैं आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। ना ना ना, मैं ते दार जी नाल इधर रस मलाई खानी है, अकल्ले नहीं। मैं अभी आती हूँ। हल्दी और टीके का शगुन है समधन। समधन? अरे मेरे रब्बा, तो पागल हो जाना है। मैं वाहेगुरु, मैं अभी कोठी जाके ना शगुन को ऐ हल्दी देऊंगी, तो रुपया तो मैं रखना है। भाई साहब कहाँ है? रब जाने, बच्चे दी खुशी वास्ते किधर किधर सीढ़ियां लंघ रहे होने बुढ़ापे विच। यार क्या था? ओहो, हाँ सोड़े क्या बात है यार, लगता है रात भर सोया रही। भाभी को ज्यादा ही मेहरबान है, है नहीं क्यों? अरे रे, चुप भी करो, बुढ़ापे पे भी मरी चुटकी बाजी। ऐसी कोई बात नहीं है खंजर, बस सारी रात एक उलझन में नींद नहीं आई। उलझन? अरे कैसी उलझन है? शायद इस सिलसिले में हम किसी लायक साबित हो, बताओ। यार अगर तू किसी लायक होता तो फिर मुझे उलझन ही क्यों होती? बात क्या है सूटा भैया? कुछ नहीं परछाई, दूसरों के फटे पजामे सिल रहे हैं। मनीषे के ब्याह का मसला एक अजब मोड़ पे आ लगा है। वैसे तो मनु पर हमसे ज्यादा आपका हक है सूटा भैया, पर हुआ क्या? बस एक टकराव समझ लो भाभी, अपने ही गोदों खिलाए बच्चों के साथ। शायद हर बुजुर्ग को ये दिन देखना पड़ता है। क्या बदकलामी की हमारी किसी नामकुल औलाद? ना खंजर, बदकलामी की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन ना इंसाफी नहीं कर सकता। हैसियतों की मुंडेर से टकराकर दो नाजुक दिलों को टूटते हुए मैं नहीं देख सकता मित्र, मैं नहीं देख सकता। आज मनु और शुभी की शादी के दरमियान स्टेटस की हर्ड लाकर खड़ी हो गई है, ईगो का बारूद रख दिया गया है। किसने रखा है बारूद? अपना ही पुत्र सत्ते। वो कैसे? कहता है कि सरकारी क्वार्टरों में बारात नहीं जानी है, और अगर जानी है तो उसमें शामिल नहीं होना है क्योंकि उसका स्टेटस। अरे भाड़ में गया स्टेटस, तनकर सीधे क्या खड़े होने लगे, बाप और चचा का कद बौना हो गया। देख सोड़े, ये तेरा और सत्य का मामला जरूर है, लेकिन इतना मत भूलना कि तेरी सफेद दाढ़ी की आन के खातिर मैं और तेरी भाभी अपने बेटों की मोहब्बत कुर्बान कर सकते हैं। खंजर, मुझे अगर इतना यकीन ना होता तो फिर मैं अपनी रातों की नींदों से क्यों हारता। सच कहता हूँ यार, तेरी परछाई भी बहुत परेशान है।
मत परेशान। जिसे ना जाना हो वो ना जाए, पर होगा वही जो आप चाहेंगे। सवाल मेरे जाने का नहीं है भाभी। अब तो मनु ने भी जिद पकड़ ली है कि बड़े भाई के बिना बरात लेकर नहीं जाएगा। काफिया ही गजल को खा रहा है। ये काफिया लिफाफिया छोड़िए जी, चार पैसे ने लड़के को हवा में उड़ा रखा है। भैया हम सब तो राजी हैं कि मन्नू के पसंद की लड़की आवे, और सत्य अपनी पतलून की क्रीज पे अकड़ा है। मैं ये नहीं कहता पर जाए कि उसकी जिद गलत है, लेकिन मामूली लोगों के अरमानों की भी अहमियत होती है। एक एक बिन बाप के बच्ची के भी अरमान होते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खंजर मैं चलता हूँ यार, मैं चलता हूँ। सोड़े सत्य की माँ, छोटा भैया, सत्य की माँ, सोडा को मैंने इतना उदास पहले कभी नहीं देखा। 30 बरस पुलिस में रहकर भी इसने सीधी सच्ची खुददारी की जिंदगी गुजारी है। यकीन मानो ऐसे आदमी का एहसास जब उसे कोंचता है ना तो बहुत परेशान करता है। मैं नहीं सोचती थी कि इस युग में कोई ऐसा आदमी है जिसका मन दूसरी की पीड़ा पे दुखता है। सोडा भैया सच हीरा आदमी है। आयो कंजर है। लो एक हीरा और आ गया। नमस्कारम बॉबी। नमस्कारम बॉबी। चार बच्चों की माँ बॉबी हो गई। तौबा तौबा। अब चुप भी रहो। कैसे बनना भैया, बैठो। एकदम फर्स्ट क्लास है। पर क्यों, ये मन्नू और सतीश का क्या झगड़ा? बारात में नहीं जाने का क्या? सोडा परेशान, व्हाट हैपन? तू फैक्स है क्या? उधर खबर उड़ी और इधर छप गई। कौन सी ड्यू सर्विस है तेरे पास? काय को हमारे ड्यूटी का सबका ख्याल रखे, बट अभी हम सोचता कि सतीश ठीक कहता। काय को स्टेटस का मामला। हाँ ठीक कहता है। औलाद के मामले में तेरा क्या तजुर्बा है? ऑफिस 3-3 प्रोडक्ट एक भी नहीं। तो दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाया कर। काय को अभी अन्ना भी तेरा फ्रेंड, सतीश और सोडा का झगड़ा होगा तो क्या मैं बैठा बैठा देखेगा? डोंट वरी, अन्ना नोज हिज बिजनेस। सोडा भैया और सत्य का झगड़ा, क्या कह रहे हैं आप? हम ठीक बोला था, बिल्कुल ठीक बोला था। सोडा गया सतीश के ऑफिस में काय के वास्ते? झगड़ा झगड़ा, बट यू डोंट वरी कंजरा, हम तेरा फैमिली फ्रेंड। अब हम चलता, मेरे को बहुत काम। दोनों ही आपके दोस्त हैं, पर सोडा भैया और अन्ना में कितना फर्क। अम्मा पापा जल्दी आइए, देखिए हैंडल को पता नहीं क्या हो गया। छोटे भैया इनका के लाई लिए। अरे अरे हम रोटी को खाई तो रहे हैं। हैंडल थम जा भैया, थम जा। शांति क्या है? और खाना लिया? और खाना? हाँ हाँ, हमारा पेट में अभी तक खाली है। अबे ये खाली है? आलू की सब्जी की प्याली है। अरे छोटो, अरे देखो कहीं बर्तन न खा जाए। ओ लाहौर बिलखोत, इसका तो पेट ढाई हो जाएगा। दिल्ली डॉक्टर को फोन करो। वो मैं कर चुका हूँ। अच्छा माजी, संभालो माजी, रुका खाना दे दो। हमारे सिमकवा में रेड कूद रहे हैं। रोटी दाल राजमा। माँ माँ ले पानी, शादी खाना लाओ। नहीं खाओ, खबरदार खबरदार, आखिर मजा क्या है? डॉक्टर को तो आने दो। डॉक्टर खाना नहीं खाएगा, हम खाएंगे सरकार, हम सरकार खाएंगे। अरे मुझे खाएगा? अरे भैया क्या मिसरा पड़ रहा है? तुम चुप भी रहो, तूने कोई नशा किया है? नहीं, पर छुटके भैया ने वो हमको सलूशन में पिला दिया। तजुर्बा तजुर्बा, अरे कमबख्त। अम्मा तू अर्क तो भूख न लगने का बना रहा था, लेकिन इस तंबूरे की भूख फट पड़ी। वो मर जाएगा शर्दिया, मर जाएगा। नहीं सरकार ऐसा ना कहो, हम सुहागन होने से पहले ही ना विधवा हो जाए। माधुरी खाना नहीं। अंकल अब क्या होगा, अभी तक तो डॉक्टर भी नहीं आया। हाय हाय छोटू, तूने क्या करा, ये क्या कर डाला? अम्मा लगता है फॉर्मूला उल्टा बन गया। चुटके भैया,
रोटी, डबल रोटी, ट्रिपल रोटी, तंदूरी, रुमाली, नान, पाव, पराठा, एनीथिंग। कुछ मत देना इसको, इसका पेट भर जाएगा। दे दे बाबा रोटी, दे दे रोटी, दे दे बाबा मेरा पेट खाली, रोटी दे दे बाबा, बाबा 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 रोटी दे दे बाबा रोटी, रोटी रोटी रोटी। पुलिस को इतला करनी होगी। बाबा बाबा बाबा, पुलिस पुलिस की रोटी दे, पुलिस की रोटी दे दे मुझको, मेरे को पुलिस की भी चलेगी। शांति अजी दिमाग खराब है, ये भी मरेगा, छोटू को भी जेल हो जाएगी। हैंडल बेटा, जरा जा घूम क्या। ठीक है माजी, पहले हम खाना खा ले फिर घूमने जाएंगे। शांति रोटी 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 आई। छोटू जी कोई ऑपोजिट फार्मूला नहीं आपके पास क्या? ऑपोजिट फार्मूला ट्राई करता हूँ। छुटके भैया, छुटके भैया, जाते जाते मेरे लिए खाना ले आना। एक झापड़ दूंगा। झापड़ नहीं खाना। हैंडल मुझे जेल तो जाना ही है, तू ये भी ट्राई कर ले। शाबाश, डकार आ गई, अब रोटी नहीं मांगेगा। सरकार कुछ मिठाई है का? ओ, रोटी से मिठाई पे आ गया। मरीज किधर है? इधर है मरीज, इधर है। डॉक्टर आ गए। मिठाई लाया होगा, मिठाई लाया होगा, मिठाई। किधर है मरीज? इधर है। किधर है मरीज? हमको जैसे ही फोन मिला हम फौरन समझ गया ठीक हो जाएगा, हम इसको एक इंजेक्शन ठोक देता है। पर हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं, खेल खेल में कुछ पी गया है। क्या पी गया? छोटे भैया का सलूशन। शांति शपथ, डॉक्टर पता नहीं क्या पी लिया इसने, मेरे छोटू ने एक सलूशन पर। खुदा के लिए खामोश रहिए वरना। मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, पुलिस केस तो नहीं? कैसी बातें करते हैं डॉक्टर, ये तो सिंपल इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन इसने तो सलूशन। डॉक्टर साहब अब आप चलिए, खर्च हो लीजिए, देखिए इंजेक्शन तो आपने ठोक ही दिया, अब ठीक हो ही जाएगा, है ना? अच्छा जरूरत हो तो फिर बुला लीजिए, फिर ठोक देंगे। अच्छा ठीक, आइए आइए। अच्छा नमस्ते नमस्ते। अब कमबख्त आज बचा लिया, वरना उस दिन पुलिस यहाँ आई थी, आज तुझे वहां बुलाती। पापा आई एम सॉरी पापा, अब मुझे क्या पता था ये। अरे ठीक हो रहा है, हो रहा है। वाह बच्चा सोते में मुस्कुराए कैसे। चलो चलो चलो, शुक्र है बच गए। छोटो तुम जेल चले जाते तो मेरा क्या होता? तुम्हारा तुम्हारा क्या होता? तुम मेरा अधूरा काम पूरा करती। मतलब? मतलब मेरा सॉल्यूशन तैयार करती। ओह माय गॉड। छुटके भैया, अरे टेंशन में काहे माथा फोड़ रहे हो? अरे हम ठीक हो गए हैं ना, हमार भूख भी नॉर्मल है, ब्रेकफास्ट में हम 15 बादाम और 17 करोड़ डकार लिए हैं। मैं चुप कर जा यार, सारा मामला चौपट हो गया, पूरा फॉर्मूला उल्टा बन गया। हमरी मानो इस ससुरी लेबोरेटरी को ही उल्टाए दो, फार्मूला सीधा हो जाई है। छोटू जी अगर आपने अपना ये पागलपन नहीं छोड़ा तो मैं चली जाऊंगी अपने घर। नहीं 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 चली जाए, ऐसा मत कीजिएगा। देखिए आप तो मेरे रिसर्च की कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट? ई का बीमारी होत है। तुम चुप नहीं हो सकते यार। देखो टी, इस देश के भूखे जनजन के प्रति मेरे मन में पीड़ा है, बस एक बार ये सॉल्यूशन बन जाए। बस तो बस, बस छुटके भैया बस। अरे कब तक लबटरिया में बैठे बैठे लुटिया में गुड़ घोलते रहोगे? अरे एक आध बार ई टिल्ली जी पे भी नजर मार लिया करो, कब से आहें भर रही हैं बेचारी। छोटू जी दिल ठीक कहता है। आए हाय छिटके भैया, सलूशन तैयार है। थैंक यू हैंडल। अरे काहे का थंकू, हमारी खोपड़िया खराब रही जो डुप्लीकेट चाबी बनाए रहे। ताला पे सरकार का गजन चिपका होता ना तो ससुरा ही सलूशन का भूत ही उतर जाता। अरे नहीं नहीं हैंडल, देख ऐसा मत कह, तू तो जीनियस है यार। अरे छोड़ हमारे सेटियों को छोड़ो, हम उका कहते हैं अपना समर्थन वापस लेते हैं। टिल्ली जी आप अपने घर जाइए, हमार भी वेडिंग वा मतलब शादी होने वाला है, रहने दीजिए इन्हें अकेले अपने चूहे दानी में, गुलकनेट फासनेट करते रहेंगे। यार यार तू ये विरोधी दल की तरह भड़क क्यों उठता है भाई? देख देख हैंडल,
देख मैं तेरी और शांति की शादी में ये हंगामा करूंगा, ये हंगामा। हाँ 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 पता है, सारे बरातियों को सलूसनवा पिलाए दोगे, सबके सब तंबू तबला तक खा जाएंगे। wait, an idea, proper idea. Idea? फिर फंसाओ हमको मुसीबत में। No यार, देखो छोटू, मनीष भैया की शादी की बात चल रही है ना। So what? देखो मैं भी है, तुम्हारी बी एस सी चल रही है और होने वाली शुभे भाभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी कर रही है। रियली? या, मुझे ऋषि दीदी ने बताया। और अगर वो इस घर में आ जाए तो तुम्हें लैब में गाइड कर सकती है। वाह फैंटास्टिक। अरे कोनो फंटा सीखना ही, उधर भी घपला हुआ हुआ है। ओहो नो घपला हैंडल, नो घपला। देखो हम तीनों मिलकर अफोर्ड करेंगे, शुभी भाभी को इस घर में आना होगा। एंड दिस इज डन। डन नहीं, डन 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 डन। अब देखना हमारी खोपड़ी का कमाल, सबके सब कहते रह जाएंगे ये हुई ना बात।